लो जी आ गया उरे। और चलने को टाइम भी होगा पता ही ना चलो। पंखा चला दिया मैंने, बंद कर दिया। हो गया ना बंद? हो गया। लाइट जलाने के चक्कर पंखा चला दिया। वो बैठी है देखो मैं। और मम्मी टिक्का कड़ खाते तैयार है, अब चलने की तैयारी करते हैं। जमाई चप्पल पहन रखे तैयार होने जाना, पजामा पहन रखे, थार चले जाऊंगी। सास रहा है पीछे, आपका घर जाने मन करे? सब अपने अपने सास रहा का तरफ खुश सीन होगा। टिको करवा ला हाँ, और चलने की तैयारी करा। ठीक है तो जी यहाँ पर मम्मी जो है वो टीका लगाने की तैयारी कर रही है। मतलब कि जाते हैं ना हमारे यहाँ पे, वैसे ज़्यादातर मतलब होता होगा ये वाला रिवाज तो सब जगह ही होता होगा कि जब भी बेटी अपने ससुराल जाती है तो माँ टीका जरूर करती है। टीका करती है तो नेक भी देती है, ऐसा कुछ होता है। नेक की कोई ये नहीं होता है, लिमिट होती है कि कुछ भी दे दिया जाता है। यहाँ पर मम्मी ने जो पैसे रखे थे मैंने उसमें जा कर के अंदर मैंने कहा मम्मी इतने नहीं रखते हैं, लेकिन माँ मानती कहाँ है। वो तो उनकी ज़िद होती है, वो जितना करना होता है ना उतना करती ही है, चाहे कितना भी मना कर लो। मेरे को ना कल वहाँ से आए ना जब जुकाम भी हो गई, मैं नेक्स्ट डे वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पर टीका करने का काम शुरू हो चुका है, और हमारे यहाँ पे मम्मी भी करती है, भाभी भी करती है। तो पहले शर्मा जी को टीका हुआ है, बाद में मेरे को हुआ है, और अब शिवांश को, नैनी को, और फिर कंप्लीट पांच करने के लिए मम्मी भाभी को भी करेंगी। मतलब के पांच लोगों का हो जाएगा, तीन नहीं करते हैं और चार भी नहीं करते हैं, अगर एक दो बंदे जो घर के खड़े हैं उनको कर देते हैं फिर। तो यहाँ पे भाभी को कर दिया है कंप्लीट पांच करने के लिए, क्योंकि चार हम थे तो एक भाभी के कर देंगे तो पांच हो जाएंगे, पांच शुभ होता है। तो यहाँ पर भाभी करेंगी अब शर्मा जी को, और भाभी मजाक कर रही हैं शर्मा जी के साथ में, साथ साथ टीका कर रही है, और अच्छा लगता है इन दोनों का मजाक। वैसे ना भाभी मतलब शुरू शुरू में जब शादी होके आई थी ना तब तो कम ही बोलती थी, लेकिन अब धीरे 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 इनको यहाँ की आदत हो गई और अपना सा लगने लग गया। ऐसा ही होता है जब एक लड़की अपने ससुराल जाती है नई नई, तो उसको वहाँ पर मतलब अननोन होते हैं उसके हस्बैंड के अलावा बाकी सब लोग, तो वो धीरे धीरे घुलती मिलती है उनसे। तो भाभी काफ़ी घुल मिल गई है हम सब में, अब उनका नेचर हमें समझ में आ गया है और हमारा नेचर उनको समझ में आ गया है, तो अच्छे से हंसी मजाक करती हैं। तो यहाँ पर भाभी ने इनको टीका कर दिया, अब मेरे टीका करने की तैयारी हो रही है। वैसे मेरे को बाद में टीका, ये देखो छिट्टे मारने के लिए पता है क्या कह रही है, ऐसे कह रही है कि ऐसे ना छिटका हमारे जब अरुण जाता है ना ससुराल, तो उनके यहाँ पे जो अरुण की साला की जो वाइफ है ना मतलब भाभी की भाभी, तो अरुण के ऊपर ऐसे ही टीका लगा के छिट्टे मार देती है ड्रेस के ऊपर। तो भाभी कह रही थी कि मैं भी कर दूँ क्या, इस तरीके से मजाक कर रही थी। तो अब चल पड़े हैं, अरुण जो है वो पैर छू रहा है हम सब के। अरुण मेरे से छोटा है, मतलब कि मैं सबसे बड़ी हूँ, अरुण मेरे से छोटा है, और भाभी को मैं हमेशा यही कहती हूँ पैर मत छुआ कर गले लगा कर, लेकिन ये भूल जाती है फिर पैर छू लेती है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब भाभी पैर छूती है, जब मुझे लगता है कि हम उम्र हैं, और थोड़ा सा ना हम उम्र की भी बात नहीं होती, गले लगना ज़्यादा बेटर लगता है मेरे हिसाब से। पैर छूने से ज़्यादा बेटर ये होता है कि गले लगा जाए, और जो ज़्यादा छोटे होते हैं वो तो फिर भी पैर छूते हैं तो कोई बात नहीं होती। तो यहाँ पर बैग जो है वो बांध दिया था पहले ही, और जब बैग बंद जाता है ना तो रास्ते में परेशान नहीं करता, नहीं तो बहुत परेशान करता। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो मेरा बहुत सारा सामान मैं छोड़ करके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सामान लेकर इतनी दूर आना मुश्किल होता है, और बैग में जितना कैरी होता है उतना मैं लेके आती हूँ। और यहाँ पर मैंने जितनी भी साड़ी वेयर की है वो सारी मैंने भाभी की और आरती की, मैं मेरी साड़ियाँ एक भी नहीं लेके आई, बच्चों के और शर्मा जी के कपड़े ही लेकर के आई थी। तो फिर अब चलते हैं यहाँ से, और मायका छोड़ने का मन नहीं करता यार, जब दो दिन आते हैं पता ही नहीं चलता दो दिन कैसे गुजर जाते हैं, एकदम जब पता चलता है जब जाने का टाइम होता है। और मम्मी काफ़ी इमोशनल हो जाती है जब भी हम लोग जाते हैं, भाभी के आने के बाद तो फिर भी मम्मी को थोड़ा सा मन लग जाता है, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। आरती भी ससुराल चली गई थी, मैं भी चली गई थी, तब मम्मी का बिल्कुल भी मन नहीं करता था हमें छोड़ने का, लेकिन अब तो थोड़ा सा सही हो गया कि मम्मी थोड़ा भाभी के सहारे रुक जाती है वहाँ पर, उतना नहीं दुखी होती। लो जी हम मिल रहे हैं, आज क्या डेट है, 18 तारीख की सुबह, 16, 17 को हम लोग आए थे, और 17 को मतलब कोई व्लॉग शूट नहीं किया, आने के बाद में यहाँ पे भी कोई मैरिज थी वहाँ चले गए थे, आज भी एक शादी है वहाँ जाना है, तो कुछ भी शूट नहीं किया। जुकाम हो गई पहले वाली शादी में ही होता है ना, शादी वगैरह में जुकाम वगैरह हो जाती है, तो जुकाम हो गई, और मैंने सोचा चलो व्लॉग तो आगे कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों को अपडेट देती हूँ। अब नहाना धोना है और भात लेकर के जाना है, आज भात में जाएंगे, यहाँ पे
खुशी की बुआ की बेटी की शादी है तो उसमें जाना है। बड़े भैया जो कल शादी थी उसमें रहेंगे, छोटे वाले भैया किसी और शादी में रहेंगे, हमें वहाँ जाना है। क्योंकि ना अचानक से शादी का सीजन चल रहा है तो ऊपर नीचे कई शादियाँ आ गई, तो सब जगह जाना भी ज़रूरी होता है ना। और अब बच्चों को नहलाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई हूँ, क्योंकि हर बार ना फिर रह जाता है, फिर मैं दिखा नहीं पाती हूँ, पीछे 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 दिन से दिन निकलते जाते हैं। मैंने वो भी नहीं दिखाया भाभी के, जैसे बाबू हुई थी ना, श्री हुई थी, जो भाभी ने मेरे को क्या क्या दिया था वो भी नहीं दिखाया मैंने। भाभी ने मेरे को साड़ियाँ दी थी, रह गया फिर। मतलब यूँ है ना, पहले हाथों तो हाथ अगर शेयर कर दें तो ठीक है, नहीं बाद में फिर अरेंज कर देते हैं, सारी चीज़ें बाहर रखी नहीं जाती। हैवी साड़ियाँ थी तो मैंने उनको धीरे 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 एक दो करके पहना है, कुछ तो कुछ रख दी। सैंडल एक बार बंद कर ले, फिर मैं अभी नहला के शूज पहनाऊंगी, ठीक है? अभी नहीं नहलाऊं, थोड़ी देर खेल ले। चप्पल कहाँ है? अभी अभी पहना रही हूँ, रुको। शिवानस उठ के आया, सैंडल पहना दी थी मैंने उसको, तो मैं सोचा अभी नहला के शूज पहना देंगे थोड़ी देर में। तो दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेके आई। देखो एक तो मैं ये लेके आई हूँ, मिट्टी की, दही के लिए। गर्मी में जब दही बनाऊंगी ना तो मैं इसमें बनाऊंगी, हमारे उधर मिल रही थी तो मैं ले आई एक। ये लेके तो ज़्यादा आई थी लेकिन बाकी क्रैक हो गए बैग में ही। ये कप और ये शर्मा जी की दवाइयाँ ऐसे ही रख दिया था आने के बाद में, अरेंज नहीं किया। देखिए मम्मी के पास थी, मम्मी ने बनाया था फिर ऐसे ही रखी हुई थी, उनके पास टाइम ही नहीं होता, काम चला हुआ है, तो मम्मी का ये ले जा नहीं, क्रैक हो जाएगी ये भी रखे रखे। एक ये लेके आई हूँ, इसको साफ करूँगी अच्छे से। एक ये तवा ऐसे मिट्टी का, पहले लेके आई थी उसमें हैंडल नहीं था, ना नहीं जाना उसको बंद करना बेटा। एक ये तवा लेके आई, मैं साड़ियाँ दिखाती हूँ तो अब दिखा दूँ साड़ी, कौन कौन सी साड़ी लेके आई हूँ इनमें से। एक तो आप मेरे को आज पहने हुए देखोगे, आज नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा शायद उसमें कंटिन्यू होगा, ये वाला तो दोपहर तक फिनिश कर दूंगी मैं, क्योंकि आप लोगों के पास पहुंचाना भी है ना। तो एक तो ये है, भाभी ने ऐसी पहन भी रखी है ना, तो ऐसी तीन साड़ियां हैं, एक आरती के पास, एक मेरे पास, एक भाभी के पास। भाभी लेके आई थी तीनों की एक जैसी, तो भाभी ने अपनी पहनी थी एक जैसी नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें तीनों में, थोड़ा थोड़ा अंतर है, कलर में भी थोड़ा अंतर है। तो एक तो ये है, ब्लाउज इसका स्टिच है, तीनों तैयार कर दी थी, बस मैंने पहनी नहीं, मेरी वहीं रखी थी, मैं अब लेके आई हूँ, ठीक है? और नेक्स्ट जो है वो ये साड़ी है, काफ़ी अच्छी है ये भी, मैं इसको तैयार करूँगी। मैं वो ही साड़ियाँ लेके आती हूँ जो मुझे तैयार करनी होती हैं, और एक आधी एक्स्ट्रा मैंने सोचा कभी यूज हो जाए, भाभी देती है तो फिर मम्मी भी देती है तो फिर मना किसको करूँ, कम कम करते करते भी दो तीन तो हो ही जाती हैं। अगली साड़ी जो है वो ये है, ये डेली वियर है, ठीक है? तो इसको तो तैयार नहीं करूँगी, वो दोनों करूँगी, पार्टी वियर जो है वो। तो जी अब फटाफट बाहर चलते हैं, बाहर चल के देखते हैं क्या कुछ काम करना है। साड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी है, मैं इतनी लेके आई हूँ, और बस अब जल्दी जल्दी नहा ले, आँखों पे ना सूजन आ गई, दो तीन दिन हो गए ना शादी शादी में घूमते हुए, इसलिए नैनी देखो मैं ये सूट सलवार पहनी। क्या नमकीन? अभी दूध देती हूँ बच्चों को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ये नेक्स्ट डे है, तो यहाँ पर शिवांश तैयार हो चुका है, नैनी भी रेडी हो रही है, नैनी की चोटी होने लग रही है, मधु करेगी। और अब शर्मा जी का दिखाती हूँ, शर्मा जी क्या कर रहे हैं। हम लोग भात में जाने वाले हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, तो शर्मा जी अपने कपड़ों पर प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्रेस इन्होंने पसंद की थी, जो प्रेस है वो इनको पसंद नहीं आई, बाद में जब पहनने का टाइम आया जब, तो ये खुद से अपने ड्रेस पर प्रेस कर रहे हैं, और बाद में ये वाली भी पसंद नहीं आई, थर्ड जो ड्रेस है वो प्रेस करेंगे, फिर उसको पहन करके जाएंगे। ये भैया खाना खा रहे हैं और मुझे, मैंने नहा लिया है, रेडी हो गई हूँ, लेकिन अपना जो लुक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मैं ये आँच जो सुबह से जल रही है, बहुत बड़ी लकड़ी थी, सबका पानी गर्म हुआ तो ये इतनी बची है, इसको बुझा देती हूँ, नहीं सारी ख़त्म हो जाएगी।
तो मैं इसको बुझाने के लिए इधर आई थी, और साथ ही साथ मैंने सोचा इस वीडियो का एंड भी कर देंगे आप लोगों से बात करके इस आँच को बुझाते हुए, ताकि मैं आप लोगों के साथ में ये व्लॉग पहले शेयर कर पाऊँ। पिछले 2-3 दिन से व्लॉग अनकंटिन्यू हो रहे हैं, मतलब कि सही टाइम पर नहीं आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, उस वजह से एडिट नहीं हो पाता टाइम पर। तो आज वाला मैंने सोचा जैसे तैसे करके मैं एडिट करके टाइम पर पहुँचाऊँ, क्योंकि काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं। तो ये लकड़ी बुझा देते हैं, मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।